दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज 19 जुलाई 2023 भिवानी अनाज मंडी में भाई। तो साथियों भाई बताइयो कौन सी जगह बारिश हुई है। तो एक यसर से मारी थी और एक डेरिया गेहूँ आ गया भाई साइड का नीचे, और भी घूमांगे फिरांगे देखांगे। तो ये किसान है आपकी है जी सरचम आपकी है। हाँ जमींदार है तो बात करना है जी। तो जमींदार बैठे हैं भाई, भाई सारे भाई यार राम राम भाई। सरचम अपनी भाई साहब एक उसके ही हाथ करा है, एक उसके ही हाथ करा है। बोल बोल तू बता भाई। चलो तो राम राम भाई। राम राम भाई। नाम के भाई अपना? नाम जयवीर भाई। अच्छा गांव कौन सा है? कतलाना। तो सरसम ले रहे थे? हां सरसम ले। और गेहूं भी ले रहे हो? ना अपने को नहीं। अच्छा अपने को नहीं। इन मस गेहूं किस के हैं? गेहूं वाला तो कोई वाला जा लिया बता। अच्छा जा लिया। सरसम के भाव की भाई? अपने 5150 रुपए की। 5150 रुपए। कितनी लैब थी? लैब थी 38। 38 लैब। तो 38 की ठीक बिक रही है भाई साहब? भाई पर्ची बड़ी अड़े है 38 की है। पर्ची बगा भी थी 38। अच्छा 38 की 5150 ठीक। तो फिर तो या 5300 तो ऊपर गई 40 लैब की। तो हाँ हाँ चलो मैं लगा लूंगा भाई साहब। ना हाँ एक बार बताओ भाई 33 बताओ लाला। 33 किलो तेल के था लाला बताइए। 33 किलो तेल 38 है। 38 लैब की ठीक बिक रही है भाई साहब। फिर सरचम आज नू बता नरमा में आपके गांव में बीमारी आई को नहीं आ रही? क्या की सरचम वाली नरमा बाड़िया में कपास मारी भाई बीमारी? माइक ना दो रही करियो। आ रही है भाई? आ रही है। कई जगह तो किसान ने मैसेज आए थे भाई नरमा खत्म होने लगी। खत्म वाली बात तो मक्खी आ रही है भाई। माइक ले भाई। पानी की भी मार है। ज्यादा बारिश होगी? हाँ आज वाली बारिश है। हाँ अच्छा तो मच्छर माखी की भी आ रही है? सफेद मच्छर माखी की सफेद माखी की आ रही है। अच्छा हो रहा है ठीक। स्प्रे को नहीं मारी है? स्प्रे शुरू कर रखी है बस भी मौसम तो फिर किसी ने एकाध ने मारी है ना। कौन सी स्प्रे मारा है? स्प्रे तो भाई मोनो मानो मारा है कोई वाई वा दूसरी वा कुर्सी वाह मार रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है भाई साहब। ठीक है भाई। भाई ये गेहूँ बेके नहीं है, एक बार और घूमे हम के कुछ माल आ रहा है फिर देखांगे आंदोड़ी। तो भाई दूसरा साइड तड़ाए हाँ यह सिस्टम तुलन लाग रही है। तो एक बार इनके किसान से बात करांगे एक बार। या सरसम किसकी है भाई साहब? अपनी अपनी है। तो एक बार किसान से राम राम भाई साहब। राम राम। माइक लियो एक बार। नाम के भाई साहब? सुनील। अच्छा गांव कौन सा है? सपार। सपार। तो सरसम के भाव बेची? सरसम 4800। 4800। कितनी लैब थी? 36 की 48। 36.5। अच्छा कौन सी वैरायटी थी सरसम की आपकी? सरसम की वैरायटी थी भाई साहब यार मिक्स कर रखी है अडवांटा थी पनीर। अच्छा तो कौन सी बढ़िया लकड़ी? अडवांटा और पनीर दोनों तो। कितनी कोसत आगी किलो की? 20-25 की। 20-25 मन की आई। जाड़े की मार भी थी है ना? जाड़े की कोई अड़कुल की मार को नहीं थी। अच्छा बारिश नरमा बोरे हो? हाँ नरमा। कौन सी वैरायटी बोरिया की नरमा में? नरमा में भाई 650 76 कई वैरायटी है जी। अच्छा कौन सी बढ़िया लाग गई फिलहाल? बारिश सारी बढ़िया चल रही है जी लेकिन राशि की ठीक चल रहा है अभी। राशि की ठीक चल रही है। अच्छा कोई बीमारी की कोई शिकायत को नहीं आई है नरमा में? ना कोई नहीं आई है अभी कोई एकाध टुकड़ा मारी है कुछ फिलहाल। बालू रेत की धरती आपके है? बालू और मट्टी दोनों मिक्स है। अच्छा तो वैसे आपका पूरा गाँव में ठीक है नरमा? ठीक है। बीमारी की कोई बीमारी? अच्छा चलो ठीक है भाई साहब। ठीक है। तो भाई एक डेरी या सरसम की और गेहूँ भी आ रहे हैं, गेहूँ देखा है बेके नहीं बेके। तो इनके किसान ये हैं भाई। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। नाम के भाई? दीपक भाई। गांव कौन सा है? लोहानी। लोहानी। हाँ जी। तो अपनी सरसम के भावे की? 5000। तो लैब कितनी थी इसमें? 37.85।
37.85 38 अच्छा 5000 तो ठीक 38 लैब का लगभग ही लगा 38 हाँ तो ना 38 पॉइंट है 37.85 38 लगा लो 85 वही थोड़ी घाट से 38 लगा के डालो 39-40 ठीक 5000 हाँ जी ठीक ये लगभग 5300 के भाव हो गए फिर चरचम के 40 लैब के हाँ जी चलो तो आपकी वैरायटी कौन सी है भाई साहब पाइनर अच्छा बारिश किसी गोरी है बारिश तो नॉर्मल है ज्यादा बारिश को नहीं बारिश को नहीं कई जगह तो जमा डूबा रहे हैं लोग ना अपने ज्यादा को नहीं कितनी बरसात हुई थी थर लुवाणी 10 अंगड़ तो पर ज्यादा बारिश नहीं हुई है अच्छा ठीक नरमा फसल बाड़ी बढ़िया है हाँ जी सारी बढ़िया नरमा में कोई दिक्कत को लुवाणी कोई दिक्कत ना फिलहाल तो ठीक है भाई हाँ जी कितनी के हाइट ले रही है नरमा आपके गांव में 5 फुट तक तो मेरी खुद की है तेरी क्या फुट की है 5 फुट तक 5 फुट की कौन सी वैरायटी आपके मेरी राशि की है कौन सी नंबर है 73 है 77 है शायद 77 अच्छा 76 होगी नया बीज आया 77 776 हो दे 77 अच्छा स्प्रे का मार दी स्प्रे एक कौन सी मारी एनपीके सिर्फ एनपीके को मच्छर माकी की कोई नहीं मारी कोई स्प्रे नहीं एनपीके का फायदा है भाई हाँ जी के फायदा है एनपीके तो बढ़वार हुई है अच्छा और पत्ता का पीलापन गया है चला गया हाँ जी ठीक ये गेहूँ किसके हैं गेहूँ भी हमारे हैं गेहूँ बिक लिए हाँ जी के बाबे के भाई गेहूँ सवा बाईस सौ चलो एक बार देखांगे कितने साढ़े बाईस ये गेहूँ और दिखा दें भाई सोना ही डाल चमक है भाई देख ले हैं 23 की ऊपर बेके भाई साढ़े बाईस मधु मांग रहा ले अपन दे दे माइक मन दे दे अच्छा 2250 तो नाम यो आर्ड रखना मुंह का हां 2250 दड़ा क्वालिटी मांगा था हां अरे पंखा लागी 2300 पंखा लागी 2300 बेके हैं हां ठीक कौन सी वैरायटी है की मांगी यो भाई 711 अच्छा तो गेहूं सुतरे हैं गेहूं सुने एक नंबर हां कोई कमी को नहीं कोई कमी को नहीं चलो आपका गांव कौन सा है लुवाणी आप उनके पिताजी हो गए हां जी अच्छा आपका नाम सुरेश चलो ठीक है जी धन्यवाद तो भाई गेहूं सुतरे हैं ये जो दिखाई भी थी आपती ये भाई गुआर भी आया है भाई टाटा में और देखा है कोई थी भाई क्या गायो तो एक बार साइड का तला दिखा दें भाई वैसे तो भाई आज भाई माल मौसम खराब का कारण वैसे आओ भी कम है जो माल है वो सारा साइड का नीचे है ये गेहूं आज गेहूं आज कई डेरी आ रही है भाई सरसम की भी कई आ रही हैं वैसे तो भाई मौसम के हालात देखी तो ये गेहूँ बिक लिए भाई साहब वो नहीं बिके हैं बिके नहीं है भाई किसान या सरसम तुला है भाई साहब सरसम अपनी है कि अपनी है अपनी को नहीं या सरसम किसके भाई साहब अच्छा भाई सो है किसान तो भाई तोल होने लग रहा है तो बिकी नहीं है भाई बरकी दर हैं तोल कर की तो भाई या डेरी अपनी भाई साहब गेहूँ ले भाई साहब माइक भाई राम राम भाई साहब राम राम भाई नाम क्या भाई अपना हरिकेश अच्छा हरिकेश हाँ तो गांव कौन सा है गांव डुड्डीवाड़ा किशनपुरा ठीक तो गेहूँ बेच दिए हाँ बेच दिए के भाव है के भाई ये 2225 बिके हैं भाई 2225 हाँ चलो गेहूँ वहाँ की में सुधार आया है हाँ ये गेहूँ 2300 बिक रहे थे भाई हाँ पहले भाई 2266 बेच के गया था मैं ये गेहूँ अच्छा हाँ फिर स्टॉक लिमिट लाग गई उसके कारण फिर एक बार फिर गेहूँ मंदा आ गया था भाई हाँ ये तो ठीक चल रहा है देखो ये क्यों ऊपर ना सरसा सरसम भी कुछ तेजी है भाई सरसम तो 5300 भी का भाई हाँ 40 लैब की भाई 5300 के हैं भाई आज चलो और ठीक है भाई सारा हाँ सब फसल बाड़ी ओके है फसल बाड़ी ओके है भाई मी की साक्ष है मी बहुत बढ़िया है भाई बढ़िया गांव में बढ़िया बारिश है 5-4 दिन में डेली बरस जा है तो अच्छा 3-4 दिन हो लिए तो मौसम खराब आज तू और क्यों लिया आया हाँ लिया है भाई क्या मिला
पिकअप में लेके आया था। पिकअप में तो पहले ही लिया था मेरे ख्याल में, बारिश से पहले ही। हाँ, बारिश से पहले ही लिया था भाई। चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। ठीक है भाई। तो अंकल जी तो बात कराए एक बार। नमस्कार अंकल जी। और ठीक सो? बढ़िया जी। के माल आ रहा, के बेचिया है, के गया है? ये सरसों मारी है। अच्छा, बिकली नबी की कोनी उतरी है। अच्छा, तो और गुआर गुर? गुआर 4800 में हुई है, एक दो डेरी मारे। अच्छा, एक डेरी बिकली। हाँ, 4800 में। 4800 में। अच्छा, पुराना गुआर होगा? पुराना। ठीक। वैसे बढ़िया गुआर के? बढ़िया गुआर के 5100 के बाद आज के। 5300 भी कहते हैं ना, डाउन है आज। डाउन हो गया? लगभग 200 रुपये टूट गया है एकदम। आज 5100 ऊपर लसीरा है। अच्छा, ऊपर लसीरा है 5100 का। अच्छा, तो ये डेरी भी अपना रिगी आ गई एक और ना, है उसके 126 आ रही। अच्छा, चलो ठीक है अंकल जी। ठीक है, धन्यवाद। यो पाक गया। हाँ, तो यह डेरी गेहूँ आ गई और है, ये गेहूँ भी दिखा देंगे। ये देख लो भाई, यह गेहूँ आ गई, क्वालिटी है। और गेहूँ का किसान कौन है? गेहूँ किसके हैं? आपके हैं? तो चलो एक बार किसान से बात कराएंगे, माइक लियो एक बार। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। नाम क्या अपना? भीम सिंह। भीम सिंह, आपका गांव कौन सा है? पिचोपा कलां। पिचोपा। तो गेहूँ बिक ली आपके? बिक गए जी। के भाव बिके? ये बिके जी 2170। 2170। ठीक। तो कौन सी वैरायटी है गेहूँ आ गया? ये 711। 711। ठीक। तो सरकारी पर नहीं गिरे थे आपने? रखे थे जी, अब मौसम की जो लाग की शिकायत होने लगी ना। हाँ, अब इसके डर से बिक्री करने पड़े। अच्छा। हाँ, जो भाई बार कट्टे में रखे हुए होंगे जिसमें भाई सुन सुनचिया की शिकायत आ जाएगी। तो बारिश किसी होने लग रही है पचोपा कला में? बहुत जबरदस्त बढ़िया बारिश हो है। बारिश के साथ गुंडागर्दी भी हो रही है। अच्छा, गुंडागर्दी किस चीज़ की जी? खूब हो रही है, खूब बदमाश पैदा हो गई सरकार में। अच्छा, कल भी एक लड़के को चोट मार गई। ठीक। नहीं, आपसी रंजिश थी किस तरह मार गए? वैसे मैं बैठा हूँ साक्षी, मेरे साथ कोई रंजिश नहीं थी। 24 जून को मेरे ऊपर वारदात करके गई। अच्छा। कोई रंजिश नहीं। अच्छा, आपकी किसी के साथ भी कोई भी एक भी बंदा पूरे गांव के साथ किसी रंजिश नहीं जी। तो वैसे तो कौन किसी का मार सका है जी, एक बार बताओ? बंदे मार के जी। अच्छा, बंदे हाथ नहीं आए अभी तक। वीडियो कैमरे लगे हैं मेरे मकान के आगे। अच्छा, फुटेज में भी आ गए जी, फिर भी पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहे। अच्छा, वैसे ही आवे हैं, मार दिया है। और उसके 8-10 दिन के बाद देख के आपस में किसी खेती वाले झगड़ा था, उसको मार गए। मेरे ख्याल में 10-11 टाके सिर में आए। नहीं, झगड़ा हो रहा था पहले? झगड़ा हो रहा था पहले उनका तो झगड़ा हो रहा था। नहीं, वो ही तो मैं कह रहा हूँ, बिना झगड़ा तो कौन किसका मारेगा? आपकी मान लो आपके किसी के साथ हो योगी, जब भी आपके साथ किसी अपना दर्दी? आप मेरे गांव पीछे पकला, आप तसल्ली करो, पूरे गाँव के अंदर एक बच्चा भी कहते किसी के साथ मेरा झगड़ा है, मैं आपकी मीडिया का चोर। अच्छा, यह भी हो सका है। चलो, केबरा को ये सोचा हुआ भाई, आप गलत फहमी होगी हो ना? अच्छा, दूसरा मानिया का गलत फहमी होगी? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि अच्छा। वो बंदे गाड़ी कम से कम 4 बार लगा चुके वहाँ पर मेरे प्लॉट के आगे जी, तो वो मौका देख रहे थे। चलो, आप खेती करते हो? पेंशनर हूँ मैं, फौजी आदमी। अच्छा, फौजी आदमी। और आप वीडियो देखोगे तो बोलोगे बस के कैसे निकल गए, 6 बंदों के बीच से फेंक करके निकला हूँ, और 6 बंदों के पास वो पोरवे हैं बांस वाले। अच्छा अच्छा, किस टाइम की वारदात है? 8:40 शाम को। शाम को गांव के अंदर ही? अखबार गांव से थोड़ा बाहर निकल गए जस्ट अड्डे के ऊपर। अच्छा, चलो ठीक है जी, धन्यवाद। तो भाई, या दवाई दिखा दें, ये साहब ले रहे थे एक बार, इनते पूछांगे। तो भाई बैठे बैठे या देख ली मैंने भाई, या किस चीज़ की दवाई ले आए हो आप? ये मोटा कीड़ा है जी, उंगली भर का मोटा कीड़ा। किस चीज़ में? बाजरे में। बाजरे में? अच्छा, उस खातर दी है या? उस खातर। या फिर पोलिस नाम की है या गड्ढा कंपनी की है? फिफ्रोनिल 40% प्लस इमिडा क्लोरोपिड 40%। ठीक। तो कौन सी दुकान पर ले आए हो ये? 119 नंबर यो चौधरी वाला का? चौधरी वाला ही। अच्छा, तो कीड़ा हो गया बाजरे में भी? उंगली भर का मोटा कीड़ा है। अच्छा, तो कितने दिन हो गए? कोई
अब हमने तो कल परसों ही देखा है। कल देखा है, ठीक। लेकिन मरेगा कि नहीं मरा तसली नहीं उस कीड़े की। क्यों, कारण क्यों, को नहीं, वो मरता ही नहीं है। अब ये कह रहा है कि मर जाएगा। हाँ, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। बादरा भी चार चार फीट से ऊपर हो रहा है। कोई बात को नहीं, जो बिजली वाली टंकी है ना, उसकी नलकी लंबी करके और उस तो मार दियो। नहीं, ये तो रेत में ला के मारूंगा। नहीं, रेत में मिलाने की थोड़ी ना है यार। पूछ क्या है, मैं रेत में मिला के मारूंगा। अच्छा, या तो यूरिया में मारो। हाँ, या रेत में मिला के मारो। अच्छा अच्छा, वैसे स्प्रे को नहीं हो इसकी। है। अच्छा, रेत में मिला के मारूंगा, क्योंकि उस बाजरे की जो जमीन है ना। हाँ, उसमें यूरिया और डीएपी गिरे 10 साल हो गए मेरे को। अच्छा, गिरता ही नहीं। जी, अच्छा, रेत में उन्होंने बताई है। हाँ, बताई उन्होंने, यूरिया में दी। अच्छा, यूरिया के लिए मैंने मना कर दिया, बोले रेत में मिला के मारो। अच्छा, उन्होंने यूरिया का नाम लिया था, आप रेत में मिलाई। रेत में मिलाई मारो। चलो, आप खाद नहीं डालते ना। ठीक, चलो ठीक है जी। ठीक, तो साथियों भाई, मूंग भी आ रहे हैं, वह ट्रेली का पीछा न पड़े हैं। और भाई आया पाचा है, मैं करता तो सोचा था माँ बारिश आवा है के माल पाओगा, तो भाई माल तो फिर भी पा गया अपन है। तो ये मूंग दिखा दें एक बाप ने। पंडित जी, राम राम, ठीक सो? हाँ, जमा मौज है जी। मूंग आ रहे हैं जी, ए वो मूंग आए, क्वालिटी देख लो भाई, और फिर बाप पूछ लेंगे बेके होंगे तो। भाई साहब, अपने मूंग किसके हैं भाई? किसान आराम करने लायक रहे हैं एक बार, तो भाई साहब तो बात करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। नाम के भाई? प्रेम नाम। प्रेम नाम, नाम तो बढ़िया ले रहा है प्रेम। अच्छा, गांव कौन सा है? मीठा तल। अच्छा भाई, प्रेम भाई अपने मूंग है? अपने भाई। के भाव है के भाई साहब? नहीं बेके नहीं है। कौन ही बेके है? अच्छा, तो के कह हैं, बेकेंगे के जा रहा है। चलो थोड़ी देर बैठूंगा मैं आपके पास से, इतना आ जाए तो बिक जाए तो फिर बाप बतावांगे। चलो, क्या किले मूंग है भाई साहब? तो 4 किले। माइक ना दोरसी करियो थोड़ा। 4 किले। 4 किले है। हाँ। तो थोड़े लकड़े हैं मूंग है? हाँ, मूंग थोड़े लकड़े रहे, सरसों काट के बोए थे, धान ला दिए। धान लगा दिए। हाँ। अच्छा, फिर मूंग बोन का के फायदा? मूंग क्यों बो? कि मेरे खात बन जाए, कि मेरे दाने लगड़े, दाने हो गए, बड़का ना दाल हो जाएगी। अच्छा, और दाल राख ली करना है? आज मैं राख लिए करा। हाँ, राखनी भी चाहिए, पाछा मोल लेंदे अंडांगे। और है खुद की चीज तो बेच दे हैं, फिर पाछा दुकान ना मत ले आई जा, महंगा पड़ा है। चलो ठीक है भाई साहब, ठीक सर, देखाएं थोड़ी देर, इंतजार करांगे। तो साथियों भाई, जार लगन लगी, देखो भाई कोई थी बेकेंगे कोई थी नहीं, तो इनका भाव कल बतावांगे आपने। तो वैसे तो भाई 5,000 तले की 6,000 रुपया के भाव चल रहे हैं, और भाई ये जो मूंग बेके हैं इनका कल बतावाएं आपने भाव। तो साथियों भाई, पूरी मंडी का दौरा लगा दिया, एक भाव बता दें, और एक भैया दवाई दिखा दें भाई, एक भाई ने मंगाई थी तो उसके बारे में भी बता दें भाई आपने। तो ग्लाइफोसेट है भैया 41% SL, तो कंपनी तो नैन एरिया अलग भी हो जाए भाई, 400 रुपये लीटर है या। तो भैया नरमा खातर है, नरमा में जो घास हो है भाई उसने सारा साफ करा है, जो या नालियाँ की दवाई हो भाई, जिसमें अड़ंग की नालिया में जो अड़ंगा हो जितना, तो उस नालिया में मारी जा है या, तो या नरमा में मारी जाएगी भाई, नरमा का भाई नीचे नीचे मारनी पड़ा है, ताकि भाई वैसे तो भाई कोई का पत्ता का लाग जा तो कोई आँट को नहीं, और नीचे तना का लाग जा तो भी कोई गणी आँट को नहीं भाई, पेड़ा का ऊपर नहीं लागनी चाहिए, नहीं तो फिर पूरा पेडन ख़त्म कर देगी। तो एक प्लास्टिक का एक टोपा आया करा ऐसा ऐसा, जो अपने नोजल में पराया जा है, तो वो परा की भाई उसका बाद दे मारी जा इसमें, तो एक नू लगा लो भैया, 1 लीटर है, तो 1 लीटर दवाई में भाई लगभग वैसे तो बताऊँ इसकी डोज पाई आगी भाई 250 ग्राम की, फिर अर्की में यूरिया मिलानी चाहिए, वैसे इसमें 7 टंकी 8 टंकी बन जाए भाई, क्यों छोटा घास हुआ है फिलहाल, बड़ा घास को नहीं होता, बड़ा हो तो भाई इसमें पाइया घेरी जा है, हर की में एक टंकी के लिए कांदड़ा के यूरिया घेर ले भाई, तो बढ़िया काम कर दे। फिलहाल मौसम ख़राब चल रहा है भाई, बाड़ी वाली को नहीं जा, अड़ंगा उठा है खूब, तो उसका कारण भाई ज़रूरी हो गया अड़ंगा की स्प्रे मारना नरमा में भाई, नहीं तो फिर आगे फिर पूरा नुकसान कर देगा, को दिन में वो नरमा बराबर जा पूछेगा। तो एक भाव और आपने बता दें भाई, सरसों भाई 40 लैब के 5,250 रुपये के भाव हैं भाई, गेहूँ 2,150 तलेगी भाई, भाई 2,250 के आसपास गेहूँ के बाजार रहे हैं भाई,
और ग्वार के भाव बता दें, ग्वार भाई आज मंदा है तो टॉप का 5100 रुपये भाव है भाई ग्वार के। मेथी के भाव बता दें 5000 तले की 6000 रुपये, बाजरा 1900 तले की 2000 रुपये, चना 4700 तले की 4800 रुपये, जो 1500 तले की 1600 रुपये, नरमा भाई नरमा देखो फिलहाल आंधी को नहीं भाई, जो आप पता करा वही बात चल रही है बताऊँ भाई 6500 और 6600 के, और मिला में 7000 रुपये बिकता है बताऊँ भाई नरमा। तो भिवानी मंडी में तो भाई कोई खरीद को नहीं नरमा की, तो भिवानी मंडी में तो ले आइयो ना भाई, कोई मील में भाई पता करो तो एक आधी मील में जाके पता कर लियो आपने देनी है तो फिलहाल एक भी ना रोक लियो, उसके बाद दे बेचियो भाई, इतने दिन गिर ली तो कुछ दिन और गिर लियो। मूंग भाई 4000 तले की 6000, मूंग आ रहा था भाई मूंग वो उस कल बतावांगे उसके बाद, और सरसों का तेल 1500-1600 के आसपास के बाज़ार चल रहे हैं। खड़ के भाव बता दिया 3100 तले की 3300 रुपये, और बंदोड़ा 3700 तले की 4400 रुपये। तो साथियों ये थे आज भिवानी अनाज मंडी के भाव, तो अपनी वीडियो कैसी लगी ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी का बटन दबाना। नमस्कार।